कम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो एक मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में आ चुका है और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिए, सीखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहले आप काम करिए, वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद बाकी सब किया जाएगा। मतलब फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और अगर हो जा रहा है सॉल्व तो प्लीज़ आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि आपको पता चले, यह सबको पता चले कि आंसर क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है एक त्रिभुज है एबीसी और डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। ठीक है, यदि बीसी बराबर 16 है, बीडी बराबर 11 है और एंगल एडीसी जो है बीएसी के बराबर है तो एसी की लंबाई निम्न में से किसके बराबर होगी। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये समझ लीजिए कि आप एक तरह से ये सिमिलर ट्रायंगल्स का या समरूप कहते हैं हिंदी में उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि ट्रायंगल होगा ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है। तो बी सी को बोल दिया है 16, बी डी तो बी डी अभी बोला है डी एक भुजा है, डी डी बी सी पर एक बिंदु है तो डी यहाँ पे एक हम बना लेंगे डी बिंदु। ठीक है, आप कहेंगे कि ये बी डी मतलब बी डी इतना डी सी के पास क्यों है। देखिए बी सी 16 है और बी डी 11 है। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा दूरी होगा तो ये हो गया और बोला है बी डी 11 है, मतलब ये वाला लाइन जो हमारा 11 है। तो अब यहाँ से इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। जैसे जोड़ेंगे तो बोला ए डी सी, मतलब ये जो एंगल है किसके बराबर है, बी ए सी मतलब ये बड़े एंगल के। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश तुरंत मत करिए, आप कोशिश करें कि इसको हम दो ट्राइंगल बना लें ताकि इक्वेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये पूरा 16 है और अगर ये 11 है इतना दूर तो ये 5 हो गया, 16 में से 11 गया 5। अब दो ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल बनाते ए बी सी, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा बी और ये सी। अब बोला क्या है, बना ट्राइंगल बनाना है ए डी सी को। ए डी सी को जब बनाएंगे तो ए के बराबर डी था तो ऊपर अगर ए है तो डी भी ऊपर बनाएंगे, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं डी। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस ए बी सी में भी हमारा ये सी है और ए डी सी में भी यही एंगल सी है तो ये दोनों सी एक जैसा होगा। तो यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका ए। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे क्या क्या हमें पता है। तो हमें निकालना है क्या है, ए सी, तो एक्स ए सी को मान लेते हैं, यहाँ भी एक्स हो गया। बी सी हमारे पास 16 है, ठीक है, और हमारे पास डी सी, डी सी कितना है 5। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल अगर समरूप होते हैं तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है तो ये समरूप हो गए। तो यहाँ से हम एक्स बाई 16 लिख सकते हैं, मतलब ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए, या डायरेक्टली लिख सकते हैं ये बाई ए, ये बाई ए। ठीक है, मतलब ऐसे कर सकते हैं ए सी बाई डी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। तो ए सी का वैल्यू कितना माना है हमने एक्स, डी सी हमारा 5 है, बी सी हमारा 16 है, फिर ए सी एक्स है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 16। तो एक्स का हम रूट कर देंगे 5 इंटू 16 आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4√5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े, हम और अच्छे आपके लिए वीडियोज़ बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।